कहिंदे ने कि जदों कुदरत किसी ते मेहरबान हुंदी है तां उसनूं माला माल कर दिंदी है। अजिहा एक मामला गुरदासपुर विच वेखण नूं मिलिया जिथे एक महिला ने एक समय चार बच्चों नूं जन्म दिता अते इह चारों बच्चे लड़के ने। एक महीने चले इलाज उपरंत सेहतयाब होए इन्हां बच्चों नूं डॉक्टर गुरखेल सिंह कलसी हस्पताल गुरदासपुर तों घर भेज दिता गया। बच्चों के माता पिता वालों डॉक्टर की टीम अते परमात्मा दा तह दिलों धन्यवाद किया गया। इस संबंधी जानकारी दिंदिया कलसी हस्पताल गुरदासपुर के सीनियर डॉक्टर गुरखेल सिंह कलसी ने दसिया कि गुरदासपुर के पिंड थरीएवाल की एक महिला ने इको समय चार बच्चों को जन्म दिता। उक्त मां ते बच्चे उन्हां दी टीम वालों की करीब एक महीने की लंबी जद्दोजहद के बाद हुण बच्चे ठीक हुए ने। डॉक्टर कलसी ने दसिया कि 15 अगस्त नूं इन्हां चारा बच्चों नूं उन्हां दे हस्पताल विच दाखिल किया गया सी। इन्हां बच्चों का जन्म 9 महीनों के गर्भ की बजाय 7 महीने बाद ही हो गया, जिस कारण बच्चों का भार 700 ग्राम तो 1100 ग्राम तक सी। बच्चों की सेहत काफ़ी कमजोर होने कारण उन्होंने हस्पताल भर्ती करवाया गया सी। चारों बेटियों ने जन्म दिता जी, बहुत खुशी की गल है, सानू बहुत खुशी महसूस हो रही है, दस नहीं सकते सी तुहानू। कीवें दा रिहा मन च कोई डर भी सी जो पता लगा? हाँ जी, बहुत डर सी, पहले तो बहुत टेंशन होंदी रही सी कि किवें आ, भी टाइम पूरा हो भी जाऊगा। फिर चलो रब दे आसरे असी ट्रीटमेंट भी चलता रहा वधिया। फिर 7 मंथ च भी थोड़ियां दर्दा स्टार्टिंग हुई सी, फिर असी चल गए हॉस्पिटल। फिर उन्होंने ऑपरेट करता सी, कहिंदे सी कि हुण नाजुक हालत में है, इन्हां नूं हॉस्पिटल खड़ना पैना वा। फिर वो लै गए सी हॉस्पिटल। हाँ जी, फिर उत्थे ट्रीटमेंट भी बहुत वधिया हुंदा रहा, स्टाफ ने बहुत केयर कीती आ। कलसी हॉस्पिटल गए सी असी, उह हॉस्पिटल वालिआं ने भी बहुत केयर कीती हैगी आ। एक हफ्ता उन्होंने इलाज फ्री भी किया है। इस टाइम बच्चों की हेल्थ की गल करिए, तुहाडी घर लई किवें दी? हाँ जी, बहुत वधिया जी, पहला नालों फर्क। हाँ जी, दफा साहब की करते हैं कितने? वो फॉरन कंट्री। पहला कितने बच्चे सी? पहला बेटी सी, 2 साल बाद डैथ हो गई सी, 6 महीने की रही सी, डैथ हो गई सी। भरोसा असी सतगुरु ते रखिया, सतगुरु ते विश्वास रखिया, जिस परमात्मा ने करिश्मा करता वो तोड़ भी चाड़ूगा। बहुत खुशियां भरिया माहौल आ, बहुत रौनक लगियां ने। मैं स्पैशल तौर पर बच्चों को वेखण वास्ते आया, वड्डी उम्र की अरदास करदा सतगुरु ने जिन्हें भेजे चारे तंदुरुस्त रहन, वड्डे होण, पढ़ लिख के साडा नाम उच्चा करन, नानकियां दादकियां दा सारिआं दा इलाके दा नाम उच्चा करन, चंगे काम। इस मौके बच्चों के माता पिता ने डॉक्टर गुरखेल सिंह कलसी की टीम और परमात्मा का तय दिलों धन्यवाद किया। ये बच्चे पिंड थरीएवाल नज़दीक मेहता डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर तो ही है ने, ते नूर अस्पताल बटाला डॉक्टर कुलजीत सिंह गायनेकोलॉजिस्ट उन्होंने हस्पताल पैदा हुए थे। तो यह 7वां महीना चलता पाया, तो 7वें महीने के अखीर में ये बच्चे किसी कारण करके पहले डिलीवर होने पे, क्योंकि मल्टीपल प्रैगनेंसी सी, चार बच्चे सीगे। तो रात 11 बजे 14 तरीक नूं अगस्त नूं पैदा होए, तो 15 तरीक तक मेरे को पहुँच गए, तो राति 12:30 बजे मेरे को गुरदासपुर पहुँचे सी बटाला तो। ये बहुत प्रीमजोर बच्चे सीगे, एक दा वजन 700 ग्राम सी, एक दा कोई 900 ग्राम सी, दूसरे दा वध तो वध किलो दे लागे सी वजन। तो ये बहुत वड्डा चैलेंज सी, क्योंकि एसच प्री मचोरिटी 700 ग्राम वजन होना, समय तो बहुत पहला पैदा होना, ये बहुत ज़्यादा इन्हें बच्चे नूं मुश्किल आंदियां ने, जिवें फेफड़े मचोर नहीं होंदे, साह लैण दे योग नहीं बच्चा प्रोपर हुंदा हैगा, अंतड़ी दुध हजम नहीं कर सकदी चंगी तरह, इन्हां नूं इनफेक्शन दा बहुत डर हुंदा हैगा, इन्हां दे विच अपने आप नूं निगाह रखण दी शक्ति नहीं हुंदी हैगी। ते चार बच्चे इकट्ठे जदों हो जांदे हैगे ने, उहनां दे वास्ते होर भी ज़्यादा मुश्किल इस लई पैदा हुंदी हैगी आ, क्योंकि जो प्रोपर मैडिसिन सारा कुछ घर वालिआं वास्ते भी सांभणा, इन्ना इकट्ठा खर्च करना औखा हो जांदा हैगा। ते इन्हां दी एसटीमेटेड स्टेज जिहड़ी है 1 महीने तो उपर हो जांदी हैगी आ, डिपेंडिंग ऑन कि कोई इन्हां नूं कोई तकलीफ ट्रीटमेंट दौरान आउंदी है कि नहीं आउंदी। और इन्हां बच्चों के इस तरह जो 700-800 ग्राम के होंदे हैगे ने, जो 6वें महीने तो बाद 7वें महीने के ही पैदा हो जाते हैं, इवन टैक्सट बुक के मुताबिक इन्हां दी जिहड़ी सर्वाइवल रेट आ वो 100% के नज़दीक नहीं जाती हैगी, ईवन इन बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਦੁੱਧ ਵਧਾਇਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਫੈਕਟੈਂਟ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਖੂਨ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨ ਅਰੋੜਾ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੇਦੀ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।